नमस्कार साथ यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 7 वर्षीय बादल और 10 वर्षीय काजल की हसरत रह गई अधूरी। इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी दौड़ कर किया था पूरी। अगर इरादा पक्का हो तो मंजिल जरूर मिलेगी, चाहे कितनी भी दूर हो मंजिल मिलकर ही रहेगी। आइए मिर्जापुर जनपद से बड़ी ही दिलचस्प खबर है। जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहा है, वहीं प्रयागराज के मांडा का रहने वाला बादल बिंद उम्र 7 वर्ष और काजल बिंद उम्र 10 वर्ष की उस समय हसरत अधूरी रह गई जब माननीय जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार मिर्जापुर से मुख्यमंत्री आवास तक दौड़ कर जाने के लिए ब्रेक लगा दिए। जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि कोविड-19 को देखते हुए कड़ाके की ठंड की वजह से कम उम्र के बच्चों को दौड़ कर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। हालांकि आगे चलकर कोरोना महामारी खत्म हो जाने पर विचार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि मांडा क्षेत्र के पाली ललितपुर गांव का रहने वाला बादल पुत्र कन्हैयालाल प्राथमिक विद्यालय सकरी के कक्षा 1 का छात्र है, जो 1.5 वर्ष से मैराथन की तैयारी में लगा हुआ है। वह खुद को मैराथन के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। जुलाई 2021 में प्रयागराज से इंडिया गेट दिल्ली तक 720 किलोमीटर की दूरी 16 दिन में दौड़कर तय कर चुका है। वहीं काजल पुत्री नीरज कुमार बिंद भी प्रयागराज से दिल्ली की दूरी 16 दिन में दौड़कर तय कर चुकी है। 19 नवंबर 2021 को 42 किलोमीटर की दूरी में 3 घंटा 40 मिनट में तय कर 14वां स्थान प्राप्त कर चुकी है। बच्चों को देखकर यह अंदेशा नहीं लगाया जा सकता कि ये बच्चे प्रयागराज से दिल्ली की दूरी दौड़कर पूरा किए होंगे। दिल्ली से लौटकर आने में वर्तमान विधायक छानवे मिर्जापुर राहुल प्रकाश, अपर जिलाधिकारी मिर्जापुर रामलोटन बिंद सहित दर्जनों संभ्रांत लोगों ने सम्मानित कर चुके हैं। बादल की मां का कहना है था, मेरे बच्चों को शासन की ओर से सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि उनके अंदर जो प्रतिभा है और निखर सके और अपने देश का नाम पूरे विश्व में बुधिया के नाम से जाना जाए। बादल से पूछा गया तो उसने कहा, बुधिया सर को देख करके जिज्ञासा मुझे प्राप्त हुआ। बच्चों के कोच रजनीकांत जी का कहना है कि बच्चों को इतना टैलेंटेड बनाना चाहता हूँ कि प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि विश्व में नाम हो और गिनीज बुक में नाम दर्ज हो। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रतिभावान बच्चों को राष्ट्रीय पर्व पर सम्मानित किया जाना चाहिए। सत यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। क्या नाम बेटा? बादल जी। कौन सा गांव है ये? ललितपुर भोसन उत्तम जी। आज मिर्जापुर जनपद में गए थे, जो कि डीएम आवास से सीएम आवास लखनऊ तक जाना था, क्या हुआ? वापिस सर जी मना कर दिए, इसलिए नहीं जा पाए जी। इसके पहले भी कभी दौड़े हो? हाँ, प्रयाग से दौड़ के दिल्ली इंडिया गेट तक। कितने दिन लगे थे? 16 दिन में तय किए थे जी। ये जो तैयारी कर रहे हो, कौन सिखा रहा है आप सबको? हमारे कोच रजनीकांत। क्या नाम है? रजनीकांत। दौड़ने का उद्देश्य क्या है, क्या सोचा, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? मैं खुद का अपने लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। आप कभी इंदिरा मैराथन में दौड़ में भाग ली हैं? हाँ जी। कब गई थी? गए थे रनिंग करने जी। तो क्या हुआ था? वहाँ 14वां स्थान आया था, 3 घंटे 40-40 मिनट लगा था जी। कितने किलोमीटर था? 42 किलोमीटर जी। जी आपका परिचय? सर मेरा नाम रजनीकांत है जी। कहाँ के निवासी हैं? सर मैं भवसना रोहतम मांडा प्रयागराज। आपके बगल में जो दो बच्चे खड़े हैं, नौनिहाल बच्चे खड़े हैं, ये जो है मैराथन की तैयारी कर रहे हैं और आप इनको मैराथन की तैयारी में लगे हैं, तो आज मिर्जापुर गए थे ये बच्चे, क्या हुआ? सर वहाँ पे डीएम कार्यालय पे ये हुआ कि सीएम आवास से लेटर आया था, इन बच्चों का स्थगित कर दिया गया रेस। उसमें ये लिखा था कि ठंड का प्रकोप चल रहा है और कोरोना का भी लहर चल रहा है और इलेक्शन का ये जो आचार संहिता होने की वजह से स्थगित हो गया और बोले हैं कि इलेक्शन हो जाता है 10 मार्च को, उसके बाद फिर ये बच्चे दौड़ेंगे। क्या नाम है इन बच्चों का? ये बादल है और काजल है। कितने कितने साल का बच्चा है बादल? ये 7 साल का है बादल और काजल 10 साल की। पहले भी कभी इन बच्चों ने मैराथन में भाग लिया है, कभी दौड़ में भाग लिया है? जी सर, इसके पहले काजल इंदिरा मैराथन में दौड़ी है 42 किलोमीटर जी जी और 14वां स्थान आई थी जी और टाइमिंग इसका था 3 घंटे 40 मिनट लगा था जी जी और प्रयागराज टू इंडिया गेट अल्ट्रा मैराथन भी दौड़ चुकी है जी जी, तकरीबन 720 किलोमीटर दौड़ लगाई थी 16 दिन में। और ये बच्चा कभी भाग लिया है?
ये भाग नहीं लिया है अभी रेस में, ये भी प्रयागराज से दिल्ली इंडिया गेट काजल के साथ गया था दौड़ के। जी, कितने दिन में? वही, हाँ वही। आज वहाँ से अनुमति नहीं मिली तो क्या बच्चे मायूस हैं? भाई बच्चे हैं, वो उनकी खुशी थी कि यहाँ से डीएम ऑफिस से दौड़ के जाएंगे सीएम आवास। लेकिन भाई उनके कैसे तैयारी कराते हैं आप इनको? इनकी तैयारी अच्छी चल रही है, इन बच्चों के पास अच्छी स्टेमिना भी है और एक दिन रेस कराते हैं। लगता है आपको कि ये बच्चे विश्व लेवल पे अपना स्थान बनाएंगे? हाँ, ये तो इन बच्चों में है, इतनी बड़ी स्टेमिना है। आप ही बताइए, बच्चा देख रहे हैं जी। इतने कम उम्र में 42 किलोमीटर दौड़ रहा है, कितना टाइम लगाए पूछेंगे बताएगा जी। भैया जी, आपको परिचय? मेरा नाम कृष्णकांत है जी, मैं भंसरा नरतम ललितपुर का हूँ जी। कौन जी, किस जिले का में आता है ये? इलाहाबाद, प्रयागराज जी। जैसा कि सूत्रों के द्वारा पता चला है कि आपका एक बच्चा है जी, क्या नाम उस बच्चे का? बादल। बादल कितने साल का है? इस समय 6.5 साल का है। 6.5-7 वर्ष के आसपास है। आज आप लोग गए थे मिर्जापुर जिले में, वहाँ से दौड़ होना था बच्चे का। हाँ। तो क्या है पूरा मामला, मामले से अवगत कराएं? ये कोरोना की वजह से आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। कहाँ गए थे आप? मिर्जापुर डीएम ऑफिस जी। तो क्या वहाँ से पता चला? यही कि वो लोग बता दें कि कोरोना की वजह से आप लोग कार्यक्रम स्थगित करना पड़ रहा है जी। इसलिए आपको मार्च में चांस दिया जाएगा। ये दौड़ कहाँ से लेकर कहाँ तक होना था? ये जिला कलेक्टर, ये क्या कहते हैं, डीएम ऑफिस से लेकर सीएम आवास तक जाना था लखनऊ। हाँ, इसके पहले भी बच्चे ने कहीं दौड़ लगाई है? हाँ जी। कहाँ से कहाँ तक? ये प्रयागराज से इंडिया गेट जी। कितने दिन में? 16 दिन में गए थे जी। आप लोग भी साथ में गए थे? एक गया था बादल, कोच थे, हम नहीं थे उस समय। अच्छा, तो आज डीएम साहब अनुमति नहीं दिए, नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहे, सब कुछ तो नहीं है, अब उन्हीं के हाथ में पूरा काम है जी। क्या कुछ बोले हैं आगे चल कर के फिर होना है? हाँ, तो बोले हैं कि अब मार्च में तुम लोगों को चांस दिया जाएगा जी। क्या करते हैं आप? यही, हम घर पे काम करते हैं, किसान करते हैं जी। कितने बच्चे हैं आपके? दो।